अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर है प्रोफेशनल साइंस फिगर्स कैसे बनाई जा सकती हैं, यानी कि आप लोगों को अपने असाइनमेंट्स के लिए, अपने रिसर्च आर्टिकल्स के लिए, रिव्यू आर्टिकल्स के लिए और बुक्स को लिखने के लिए भी जो है फिगर्स की ज़रूरत होती है। इससे पहले स्टूडेंट क्या करते थे, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो कॉपी पेस्ट से जो है आपको एथिकल जो है कंसर्न्स आ जाते हैं। तो आज का हम लेक्चर जो है ट्रूली सोली देंगे बायो रेंडर के ऊपर, जो कि प्रोफेशनल साइंस फिगर बनाने के लिए सबसे बेस्ट टूल है। का होम पेज आप देखेंगे कितना ही फैसिनेटेड और कितना ब्यूटीफुल होम पेज है इसका। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, यहाँ पे साइन अप होना पड़ेगा और साइन अप होने के बाद जो है आपको एक पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आएगा, तो उससे आप साइन इन हो जाइएगा। जैसे हम साइन इन हो जाएंगे तो हमने नेक्स्ट मूव करना है जो है इस पेज के ऊपर। ये इसका जो है वो मेन पेज है, जहाँ पे हम उसको वर्किंग पेज भी कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे हमारे पास जो है एक पोस्टर के लिए जो है एक स्पेस अवेलेबल है, एक हमारे पास ब्लैंक शीट अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे न्यू इलस्ट्रेशन जो है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं जो आज की फिगर आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, आपके पास कोई भी फिगर हो, किसी आर्टिकल में है, किसी बुक में है या कहीं नेट से आप देखते हैं और आप उसको यहाँ पे ड्रा करना चाह रहे हैं अपने लिए, तो आप उस फिगर को यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने आज ये फिगर पिक की है कि ट्रांसमिशन साइकिल ऑफ सार्स कोव 2 यानी कि कोरोना जो है हमारी बॉडी में कैसे आता है। तो इस फिगर को मैं डिज़ाइन करूंगा आपके सामने, देखिएगा ये आपको ओरिजिनल से बेहतर फिगर जो है यहाँ पे नजर आएगी। सबसे पहले हमारे पास स्टेप क्या है कि ये जो हमारे पास कोरोना वायरस है ये बैट से फैलता है। तो जस्ट आप यहाँ देखें तो हमारे पास जो है आइकॉन्स की लिस्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पे तमाम आइकॉन अवेलेबल हैं, सेल टाइप, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ह्यूमन एनाटॉमी, लैब, स्पीशीज, मेम्ब्रेन, जिसको भी आप क्लिक करेंगे तो आपको उसके बाद जो है बहुत से ऑप्शंस के ओपन हो जाएंगे। जैसे एंटीबॉडीज है, देखिए एंजाइम्स हैं तो एंजाइम की सारी पिक्चर्स आ जाएंगी। तो यहाँ इसकी वोकैबुलरी में बहुत सारा डाटा अवेलेबल है जिसको आप यूज़ करके कोई भी फिगर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको फिगर खुद अपलोड करना चाह रहे हैं और अपनी फिगर का पार्ट बनाना चाह रहे हैं उसको, तो यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं। मेरा कंसर्न यहाँ पर क्या है, बैट, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा जस्ट BAT। ये देखिए बैट की यहाँ पे जो है ना वो इमेज आ चुका है। तो इस इमेज को मैं यहाँ से क्लिक करूँगा अपने माउस से और ड्रैग करके उसको ले आऊँगा यहाँ पे। तो ये देखिए आप राइटिंग पैड जो है उसके ऊपर जो है बैट की जो है वो इमेज आ चुका है। तो ये मेरे फिगर का जो फर्स्ट जो उसका पॉइंट है वो बैट है, क्योंकि बैट से ही कोरोना फैला था चाइना में। तो इसके बाद अब सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है कि इस ये बैट से किस में गया था। तो ये बैट से जो है पेंटाडेक्टाइल यानी कि जितने भी रिंगने वाले ऑर्गेनिज्म थे उनमें गया था। तो मैं यहाँ पर मैनस पेंटाडेक्टाइल को लाना चाह रहा हूँ, तो जस्ट राइट हेयर एज मैनस सर्च में लिखें तो ये देखिए मैनस पेंटाडेक्टाइल की यहाँ पे इमेज आ जाएगा इस लाइक दैट, इस तरीके से। ठीक है, और उस मैनस पेंटाडेक्टाइल से ये किसको फैला था, यानी कि हमारे पास जो इसका जो सेकेंडरी होस्ट कौन था। तो ये प्राइमरी होस्ट हो गया हमारे पास जो है मैनस पेंटाडेक्टाइल, ठीक है, रिंगने वाला कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसको डायरेक्ट उसके पास आज उसका एक्सपोजर हुआ था। उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के बाद किसको हुआ था, दैट इज ह्यूमन। ह्यूमन लिखें तो यहाँ पर हमारे पास ह्यूमन बॉडी के बहुत से इमेज आ जाएंगे। मैं एक सिंपल सा यहाँ पर जो है ये मुझे उठा लेता हूँ ह्यूमन का लाइक दैट। तो ये हमारे पास जो है इसका जो सेकेंडरी होस्ट है वो भी आ चुका है। अब इसका टर्शरी होस्ट या पूरी दुनिया में कहीं कैसे फैला था, ये बात है एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन तक गया था ये, तो उसको भी यहाँ पे हम जो है कोई और एक और इमेज लेते हैं ह्यूमन का, मैं इसको पिक करता हूँ। तो यूँ इस तरीके से जो है हमारे पास जो है एक इमेज जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, यानी कि बैट से जो है वो हमारे पास पेंटाडेक्टाइल पे आया, वहाँ से ह्यूमन में आया इस तरीके से। अब ये देखिए ये ह्यूमन जो है सेकेंडरी जो ह्यूमन है वो भी यहाँ पे आ चुका है। अब आपने इसको, ये तो हो गया हमारे पास वो तमाम चीज़ें जो कि इंग्रेडिएंट्स है इस फिगर के। अब इसको ड्रा कैसे करना है, यहाँ पे देखिए हमारे पास टॉप पे जो है ऑप्शन अवेलेबल है इंसर्ट लाइन की, वहाँ पे एरोज पे चले जाएँ तो यहाँ बहुत से एरोज आपके पास अवेलेबल हैं। कोई एक एरो पिक कर लें, एनी वन, जस्ट लाइक दैट। मैं इस एरो को पिक करता हूँ, इस एरो को पिक करने के बाद इसको आप किसी भी फॉर्म में मोल्ड कर सकते हैं, इसको आप स्ट्रेट कर सकते हैं लाइक दैट। तो ये इस तरीके से जो है ना मैंने इस एरो को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, सिर्फ ये डायरेक्शन देने के लिए कि इसको कहाँ से कहाँ तक आया। फिर उसके ऊपर क्लिक करने से आप इसको एरो को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये जो एरोस हैं इनके इनकी वेट जो है इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जस्ट क्लिक एनी एरो, फिर उसके बाद क्लिक ऑन वेट, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट पॉइंट्स आ जाएंगे। इसकी वेट जो है आप ज़्यादा या कम बड़ी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फिगर। तो यूँ हमारे पास जो है ये जो फिगर पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें हमारे पास रहा है कि इसकी फिलिंग, कि हम इसमें टेक्स्ट कैसे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, जाहिर बात है फिगर सिर्फ इमेज तो नहीं होगा ना, तो यहाँ पर देखें एक ऑप्शन अवेलेबल है इंसर्ट टेक्स्ट, उसको क्लिक करें और उसके ऊपर आके जहाँ जहाँ आपने टेक्स्ट ऐड करना उसके ऊपर उसको जो है ना वो बॉक्स आपका क्रिएट हो जाएगा। यहाँ मैं लिखता हूँ बैट, जो मेरे पास जो है कोरोना वायरस का जो मेन मौजद था, हम यूँ कह सकते हैं उसको। तो यूँ उसको जो है बैट कोरोना वायरस वाट एवर जो वर्ड लिखना चाह रहे हैं उसके ऊपर वो भी आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये एरो के इसको शो करें, इस एरो में क्या हुआ था तो वो भी आप लिख सकते हैं कि जी, ताकि लोग ये अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सिर्फ फिगर को देखें और आगे अंडरस्टैंड कर दें कि इस एरो का क्या मतलब था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जी ये हमारे पास जो है डायरेक्ट
कॉन्टैक्ट जो था उस वजह से ये हमें कोरोना इसकी तरफ फैला था। अब इससे जो है जब स्नीजिंग की ड्रॉपलेट्स आई, उन ड्रॉपलेट्स से जो सेकेंडरी जो है जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म था उसको ये फैला। तो यहाँ पे आप इसको और पिक्चर को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे सिंपल लिखें सार्स, ताकि वो ड्रॉपलेट्स में हम दिखा सकें कि सार्स कहाँ पे है। ये सार्स का इमेज आ गया, तो इस वायरस का इमेज यहाँ पे आप ऐड कर दें लाइक दैट। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये अब इससे जो है ये ड्रॉपलेट की शक्ल में जो है ये जो जब उसने स्नीजिंग की कॉफिंग की तो उससे जो है सेकेंडरी जो ऑर्गेनिज्म उसके पास ये चला गया, ठीक है। और ये अगर आप फर्दर इसको और ब्यूटीफुल बनाना चाह रहे हैं तो आप इसके बॉडी के अंदर भी जो है वो जो है कोविड का जो है सिंबल दे सकते हैं लाइक दैट, ताकि पता चले कि इस तरीके से जो हमारे पास है। उसके कैप्शन को ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप जस्ट अगर इसको जूम इन और जूम आउट करके देखें तो इसको छोटा बड़ा करके उसके कैप्शन भी ऐड हो सकते हैं। उसमें हम लिख देते हैं या ट्रांसमिशन साइकिल ऑफ SARS-CoV-2, तो यूँ उसका कैप्शन जो उसके नीचे इस तरीके से आ जाएगा। इसको ड्रैग करके इसके नीचे ला सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, सो टू यू कि आप कैसे लाना चाह रहे हैं उसको। फिर इस टेक्स्ट को भी अगर आपने बोल्ड या कम छोटा बड़ा करना है तो वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसको सेलेक्ट करें, ऊपर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं, कलर के भी हैं, ठीक है। उसको सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के हैं, बोल्ड करने के बोल्ड कर दें। मजीद इसमें भी आप जो है ट्रिमिंग कर सकते हैं, लेकिन जब ये रेडी हो चुकी है तो इसको आपने लास्ट ऑप्शन लास्ट पे क्या काम करना होगा, इसको सेव करना होगा। तो क्लिक करें एक्सपोर्ट के ऊपर, तो ये देखिए PNG रिकमेंडेड है। तो PNG की फाइल में आप इसकी विड्थ, इसकी हाइट जो है इंचज में, डिफरेंट आपके पास स्केल भी लेकर सेंटीमीटर्स हैं, पिक्सल्स हैं, व्हाटएवर, तो उसमें भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट आर्टिकल या दैट बुक या दैट असाइनमेंट। तो इसको आपने इसकी रेजोल्यूशन भी हाई और जो है लो कर सकते हैं। तो इसको आप जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दें एक्सपोर्ट इन PNG फॉर्म। जैसे एक्सपोर्ट करेंगे तो ये आपके जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपके असाइनमेंट्स में, आपके आर्टिकल्स में, आपके जो है वो रिसर्च में, जहाँ जहाँ आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।